आज ये लोग आए हुए, ये अभी मेरे साथ जा रहे हैं, इसको मैंने परांठा लेकर देना है और सालन लेना है, सिस्टर लोग आए हुए, उसके बाद मुझे जाना है पोमी के पास। हमारा एक मसला हो गया बहुत बड़ा, बस आप दुआ करें यार वो मसला हल हो जाए दोनों का, दोनों के साथ ही हो गया जो कुछ सोचा हुआ था। एक बोलते ना हमेशा आप कोई भी चीज़ सोचते हो तो वो होती ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम अड़े जाता है, वही हुआ। तो अभी मैं जा रहा हूँ और अभी 9 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठा हूँ तो अभी से व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा ऐसे, पता नहीं आज गर्मी बहुत थी क्या था, ऐसे लग रहा था पता नहीं सोया ही रहा हूँ, 7 बजे उठा हूँ मैं, पता नहीं बस क्या हुआ। तो अभी आते तो इसको देख, क्या देख रहे हैं, ले रहे हैं डैडी अभी अंदर गए, सालन ले रहे हैं और रोटी पराठा जो कुछ भी लेना है। क्या हुआ है ये दोनों ही बैठे हैं, दोनों से लेने लगे चपली को, आप बहुत ही मज़े का होता है, तो जल्दी से ले लें उसके बाद घर निकलते हैं। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल रोमी आरपी। तो सुबह से मैंने वैसे व्लॉग बनाया हुआ, रात का भी बनाया था, इतना खुश था और एकदम से इसने फ़ोन किया हम दोनों के साथ, और मेरे साथ ज़्यादा ही हो गया कुछ, हम के साथ हो गया फ्रॉड, और दोनों का ही हुआ है नुकसान, ऐसा नहीं है हमारा फ्रॉड हुआ है। 4 लाख रुपए का 4 या 5 लाख रुपए का 6 लाख का उन्होंने बोला हुआ था, तो समझ लो भी 4 लाख का फ्रॉड हमें लग चुका है। 6 लाख उन्होंने देने थे, हमने डाली हुई थी जैसे कि आपको बताया था कमेटी, और क्यों डाली हुई थी, अपने काम करने थे, 100 काम करने थे हम दोनों ने मिलके, उसी से करने थे काफ़ी सारे काम थे, और शुक्र है हमने एक दो जगह और भी किया हुआ है सिस्टम, तो वहाँ से हमें है। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दोनों को ही हुआ है। अब हमने जिसके साथ कमेटी डाली हुई थी ना दोनों ने, तो वो जो ना कहीं उन्होंने पता नहीं कितने टन थे उनके, कितने हमने काफ़ी टन दिए हैं उनको, हाफ कमेटी दी हुई है ये नहीं, लेकिन उनका क्या हुआ, वो बंदा मर गया है जिसके कम से कम मेरे ख्याल से उसके घर से आता था 60-70 हज़ार रुपये आते था उसके घर से, तो वो बंदा मर गया है, तो अब वो मसला हुआ है, और उसकी वजह से जो ना कमेटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, कम हुई है तो उसकी वजह से कमेटी टूट गई है। अब कमेटी टूट गई, कमेटी टूटने का मकसद ये है कि तुम्हें पैसे मिलने ही नहीं है। अब उस हिसाब से हमारा जो लोग, हमने बोला भाई इतना पैसा अभी हमारा तो कैसे दोगे आप, कमेटी तोड़ दी जिसको इतने आपने टन दिए उनसे लोग, वो बोल रहे हैं वो एकदम से नहीं दे सकते हैं, वो सब बोल रहे हैं कि हमने पैसे लगा दिए ये वो, जिनको मैं बोला ये मेरा मसला नहीं है। अब इस बात से मेरी इतनी लड़ाई हुई है, मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, वो दे रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन फ्रॉड तो हो गया ना। चलो डली हुई चीज़ मिल ही जाएगी, मुझे आप बताओ एक बंदा तुम्हें बोल रहा है 6 लाख रुपये, ठीक है उसमें से तुम्हें 1 लाख रुपये दे रहा है अभी अगले महीने, क्या फ़ायदा। ओ बस ये बात थी, और उसकी वजह से हमारा मेरा दिल ही नहीं किया, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया कुछ, इससे सुबह से मैं इसको भी आया बताया तो ये डांट रही है मुझे, ये मुझे मैं बोला मैं खाली चाय पिए शाम को और रात सर पे, मैं वाकई कुछ नहीं खाया हुआ सुबह का, कुछ भी नहीं खाया हुआ, अभी मैं खुद इतना टेंशन में आया हूँ बस इसकी वजह से। मेरे को शुरू से यकीन नहीं होता यार किसी पर ना, इस चक्करों में पैसों के मामले में खासतौर मैं किसी पे यकीन नहीं करता, इससे अच्छा बंदा कुछ जमा कर ले वो ज़्यादा बेहतर है, किसी पे यकीन नहीं करे। पहले भी ऐसे एक फ्रॉड हो गया था, किसी के थ्रू डिपॉजिट कराए थे, उसने बोला बंदा मर गया, वो तो अच्छा हमने जो है ना उसको बोला भाई तुम उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं कुछ दिखाओ, तो उसके बाद वो बोले प्रूफ दिखाओ तुमने उसको पैसे दिए हुए थे, तो वो तो शुक्र है हमने निकवा लिए। ये बड़ा गंदा जो चक्कर हुआ है ना ये बहुत, और वो बोल रहे 1 लाख रुपया देंगे वो भी कैसे अगले 2 महीने में, और 2-3 महीने बाद हमने तैयारियाँ करनी है यार अपनी, तो इतना ये मतलब के मेरे लिए तो बहुत हार्ड हो जाएगा, चलो हो जाएगा सब उदास और अच्छा करें। अब कुछ लोग पता नहीं शायद समझे ये लोग मजाक कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सच में हुआ है, रात सर पे लाल हमारे साथ ऐसा हुआ, बस इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, तो बाकी ये कि वाकई बहुत अब शौक तो हुआ, शुक्र करती हूँ शुक्र खुदा का, दूसरी जगह भी हाथ पो रखे हुए थे और सेटअप पे बना के रखा हुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए कि चलो ऊपर ऊपर के एक्स्ट्रा के लिए, तो वो हमने वैसे ही रखा हुआ था, मैं बोला चलो वैसे डाल देते हैं, हर चीज़ खुदा कभी किसी चीज़ देखो से देखो कोई चीज़ है वो रुकती नहीं है, जो होनी होती है, लेकिन जो रुकनी होती है तुम कुछ भी कर लो वो रुकनी है, ठीक है। बाकी ये जो हॉबी इन्होंने किया ना हमारे साथ वो चीज़ गलत है ना, आप ये भी तो देखो 6 लाख 1 लाख रुपये दे रहा कोई, तो गलत नहीं है आप बताओ मुझे, समझ लो 4-5 लाख रुपये का तुम्हें डब्बा लग गया। आप लोग बताओ कुछ फेवर दो क्या हो सकता है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही है, ये तो मुझे कहते तोड़ दो, बोला नहीं तोड़ो नहीं तोड़, तो फिर क्या कर सकते, क्या फ़ायदा, 1 लाख रुपया मिल रहा है उसका क्या फ़ायदा। मेरे तो अब सर में बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मैं खाली चाय पिए खाना मैंने नहीं खाया, और आज फ्रंट से भी लोग बना रहा हूँ उसकी वजह क्या, क्योंकि टेंशन ही इतनी है, वैसे फ्री माइंड होता ना तो बैक से बना लेता हूँ, आज फ्रंट से बना रहा हूँ,
अभी कुछ मंगवाता हूँ यार, दिल भी नहीं कर रहा, पता नहीं ऐसे दिल कर रहा है, इधर से उतरेगा ही नहीं। तो जहर सी बात है, जिसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाए कहाँ से उसने कुछ दिल करेगा खाने पीने का। मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे गले में नहीं जाएगा खाना, यकीन करो ऐसा हो रहा है, और कसम से ऐसा हो रहा है मेरे, मैं अभी तक कुछ नहीं खाया यार। मेरे को पता है ना मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मेरे को पता है मैं बहुत मेहनत कर, मैं अपने घर पे पैसे नहीं देता, इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, मैं अपने घर पे पैसे नहीं देता, इसको भी पता है ये चीज़, मैं सारे के सारे उठा के वहाँ देता ऐसे ही। तू तो करता है चलो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए कितना मुश्किल है, दोनों मिल रहे हैं, मैं चलो तेरा साथ दे रहा हूँ ना। मैं इसका हर चीज़ में साथ दे रहा हूँ, मुझे पता है ना, मैं बोलता हूँ नहीं इसके ऊपर बर्डन नहीं है किसी चीज़ का, और ये चीज़ मेरी मम्मा भी बोलती है, रोमियो तू कर, मेरी मम्मा सबसे पहले मेरे ऊपर जो ना वजन डालती इस चीज़ का कि हर चीज़ तू करेगा, ये नहीं करेगी, हर चीज़ तेरा काम है, तो इसलिए मैं अपने घर पर पैसे नहीं देता, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी मम्मा इसलिए मेरे पर कभी कभी गुस्सा कर जाती है, सारे पैसे उठाए उधर कर दिए, बकाया अपना जो घूमना फिरना होता है इधर लगा के, चलो चिल करते, बकाया खुदा सब अच्छे करे यार, अभी मैं दिल नहीं कर रहा। तू क्यों रो रहा है, सब अच्छा हो जाएगा, खुदा सब अच्छा करेगा। सो खैर है, जो होना था अभी वो तो हो ही रहा है, अब इससे लड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं, दोनों लड़ेंगे, और आप सब ने बस ये कि दुआओं में याद रखना है, सपोर्ट करना है, और बस आप लोग की जो ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी इस टाइम पर, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि हम लोग सब काम अच्छे अच्छे कर सकें, और किन की वजह से, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की बदौलत की वजह से होगा। सो अभी खाना मंगवाया, खाना भी कुछ ज़्यादा नहीं मंगवाया इस बार ही, क्योंकि मुझे भूख नहीं है इतनी, और इसको भी नहीं है, थोड़ा बहुत खाएंगे, एक कुआप से कुआप वगैरह मंगवाया, चाय पियेंगे बस, और घर पे मैं खाना सोचो आप लोग देख कर आए हूँ, वो मुझे बोले तूने खाना नहीं खाना, मैं बोला नहीं, मैं फ़ौरन से इसके पास आया क्योंकि मुझे बात करनी थी, और इसने मेरी बात करवानी थी उनसे, वो खाली बोरी लाखों रुपये ले लो, तो बस वो ही है, तो वो भी एक दो महीने में मिलेगा, उन्होंने बोला फ़ायदा, तो मतलब कि देना 6 लाख रुपया था, तो एक दो महीने बाद ही हमारे मिलने थे पैसे, एक महीने बाद ना जुलाई है ना अगला जुलाई, तो फिर भी खैर छोड़ो, हम करेंगे बस बात, हाँ सब करेंगे, ऐसा नहीं लड़ेंगे इस चीज़ के साथ, क्योंकि अगर अक्सर ना हमने देखा, मैं इसको ये मुझे बोलती ना हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मैं इसको पता क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं पहले से मत सोचा कर, बहुत सारे पंगे बढ़ जाते, बहुत सारे देख लो आज हुआ ना, नहीं तो मैं आपको एक नॉर्मली बात बता रहा हूँ, एक नॉर्मली बात बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो ना पहले से कैमरे में नहीं बताओ, कैमरे में नहीं बताओ या किसी को बताओ नहीं, या तो सोचो ही नहीं, क्योंकि सोचने से भी ना इंसान का वो काम नहीं होता जो इंसान सोचता है। मैं अपनी भाई की शादी में सोचा था हम ये लेकर जाएंगे, बग्गी लेकर जाएंगे, वो शादी हमें पता हम लेट पहुँच गए, उल्टा बस से घर आगे जा रहे, मतलब ये दिल क्या था हुआ क्या, ऐसा होता है कि जो इंसान सोचता ना वो होता नहीं। बाकी चिल करते अभी, खाना वाना आता दिखाते तो उसके बाद व्लॉग एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहा प्लीज, बहुत मेरा दिल भी नहीं कर रहा बोलने का पता नहीं क्यों, और बाकी कर देना फिर भी सब्सक्राइब लाइक शेयर, बाय बाय।